मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है और संग्रहणी IBS पतले दस्त आँव के साथ पाखाना आना, बार बार पाखाना जाना, इस प्रकार की समस्या के लिए मैंने अब से पहले 4-5 वीडियो आपको दिए हैं, आपने देखे होंगे। वे औषधीय उपचार था। आज जो उपचार मैं आपको बता रहा हूँ ये एक यौगिक उपचार है और इस प्रकार के रोगियों को इससे अत्यधिक लाभ आता है। इसमें कुछ आसन बताए जाते हैं। आप किसी भी योगी योग क्रिया करने वाले से इन आसनों के बारे में जान सकते हैं। देखिए इतनी लंबी प्रक्रिया है, उसको मैं आपको अपनी डायरी से पढ़कर समझाता हूँ। इसके लिए इसको कहते हैं संक प्रक्षालन या वारिसार क्रिया, पानी के द्वारा आंतों के धोने को कहते हैं। जिस प्रकार शंख के मुख से पानी डाल देने से चक्राकार घूमता हुआ पानी बाहर आ जाता है, ठीक उसी प्रकार से मुख से जल पीने पर इस क्रिया के द्वारा जल आंतों की को शुद्ध करता हुआ गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को प्रातःकाल बिना कुछ खाए पिए करना चाहिए। कुंजल से कुछ अधिक गर्म पानी यानी सुहाता गर्म पानी जिसको हम पी सकते हैं लेना चाहिए और उसमें उतना नमक मिलाएं जितना दाल में या सब्जी में मिलाया जाता है। फिर काग आसन में बैठकर 2 गिलास पानी पी लें। पानी पीने के पश्चात भुजंग आसन लगाकर दाएं बाएं 4 बार कमर तक के हिस्से को घुमाएं। इस आसन में घुटने जमीन से थोड़े ऊपर उठे हुए रहेंगे। इसके बाद ऊर्ध्व हस्तोत्तासन आसन 4 बार करें। फिर 1 गिलास पानी पीकर पहले की भांति ही चारों आसन करें। ऐसा बार बार करने से सोच जाने की इच्छा होगी। थोड़ी सी भी शंका होने पर शीघ्र ही सोच के लिए चले जाएं। आसनों के मध्य यदि सोच जाने की इच्छा हो यानी पखाना जाने की इच्छा हो तो आसन को बीच में छोड़कर चले जाएं। ऐसा बार बार करने से पहले कड़ा मल निकलेगा, फिर धीरे धीरे पीला पानी निकलने लगेगा। इस क्रिया को तब तक करते जाएं जब तक जैसा पानी पिया था वैसा ही न निकलने लगे गुदा द्वार से। अंत में सादा गर्म पानी पीकर कुंजल करें। कुंजल का मतलब होता है गले में उंगली डाल करके उसको बाहर निकालना। कुंजल न करने से बहुत देर तक पानी निकलता रहेगा। शंख प्रक्षालन करने को 1 घंटे के भीतर ही खटाई से रहित चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी खानी चाहिए। खिचड़ी में अधिक से अधिक 1 चटाक और कम से कम आधा चटाक घी शुद्ध डालें। खिचड़ी खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। खिचड़ी खाने के 4 घंटे पश्चात मुलायम फल खा सकते हैं। रात्रि में जो भोजन करते हो वही कर सकते हैं। विशेष सावधानी, पानी में नमक मिला देने से उसकी प्रकृति भोजन जैसी हो जाती है। खाली पानी पेट में पचता रहेगा और मूत्र के रूप में निकलता रहेगा। अब सावधानियाँ, इस क्रिया को करने से 1 दिन पहले रात को हल्का भोजन करना चाहिए अथवा केवल दूध या फल ले सकते हैं। लाल मिर्च खटाई इत्यादि का सेवन न करें। इसको करने के बाद अधिक देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए। जिस दिन शंख प्रक्षालन करें उसके बाद 24 घंटे तक दूध तथा दूध से बने पदार्थ नहीं लेने चाहिए। इस क्रिया को करने के बाद ठंडे पानी से नहाना बिल्कुल मना है। गर्म पानी से बंद कमरे में हवा से बचाव रखकर नहा सकते हैं। नहाने के पश्चात कपड़ों से शरीर को पूर्णतया ढककर बाहर निकलें ताकि शरीर में ठंडी हवा ना लगे। भोजन के 1 घंटे बाद पानी पी सकते हैं, वह भी ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ा सा ही। खरबूजा आम केला पपीता और अमरूद नहीं खाना चाहिए। मौसमी संतरे या सेब का जूस ले सकते हैं। गन्ने का रस भी नहीं लेना चाहिए। यदि व्यक्ति रोगी है या कमजोर है उसकी आयु के अनुकूल अपने को नहीं रख सकता यदि व्यक्ति रोगी है या कमजोर है और बाहर की वायु के अनुकूल, देखिए
अनुकूल अपने आप को नहीं रख सकता, तो उस व्यक्ति को जब तक वह स्वस्थ न हो जाए यह क्रिया नहीं करना चाहिए। व्यक्ति की अवस्था को देखते हुए ही यह क्रिया करवानी चाहिए। उच्च रक्तचाप तथा हृदय के रोगियों को यह क्रिया नहीं करनी चाहिए। इसके लाभ क्या हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इस क्रिया को करने से देह निर्मल होती है और प्रयत्न पूर्वक इस क्रिया को करने से दिव्य देह हो जाती है। यह वारिसार क्रिया एवं गोप्य है। इस क्रिया से मस्तिष्क संबंधी रोग, नेत्र संबंधी रोग, कर्ण रोग, नासिका रोग, मुख संबंधी रोग, पेट संबंधी रोग तथा गुदा के रोग दूर होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मुख से लेकर गुदा पर्यंत समस्त नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। इस क्रिया के अभ्यास से आंतों के घाव और सूजन आदि दूर हो जाते हैं। स्त्रियों के गर्भाशय संबंधी समस्त रोग दूर हो जाते हैं। बांझपन के दूर करने में यह उपयोगी है। इससे 25 प्रकार के प्रमेह, सूजा आदि रोग दूर हो जाते हैं। इस क्रिया को करने से शरीर निरोग होता है। शरीर में कांति, लचकता, हल्कापन महसूस होता है। आलस्य दूर होता है। शरीर आसन और प्राणायाम के योग्य बनता है। स्वस्थ व्यक्तियों को यह 15 दिन या महीने में एक बार अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये वर्णन आज आपको बताया है। ये पूरा योगिक क्रिया की मेरे डायरी है। इसमें सभी योगिक क्रियाएं मैंने दी हुई है। नौली क्रिया है, देखिए, दुग्ध नेति है, ग्रत नेति है, सभी प्रकार के योगिक क्रिया ये योग शिक्षा से संबंधित मेरे पास एक मैंने एकत्रित किया हुआ है। तो आप इसका लाभ उठाएं, पूरा वर्णन ध्यान से सुने, 2-3 बार इसको सुने और इसको किसी भी दिन छुट्टी के दिन, जिस दिन आपकी छुट्टी हो, कार्य से आप निवृत्त हो, पूरा दिन आपके पास फुर्सत से हो, उस दिन इसको कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्रिया है। भाइयों बहनों, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर किया करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।